हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त भारती। और आज मैं आपकी चॉकलेट थीम पार्टी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गेम लेकर आई हूं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको ज़रूर खेलोगे अपनी पार्टी में। तो इसके लिए आप यहां पे देख सकते हो कि पेपर पे मैंने गेम बनाई है, जिसमें मैंने 5 तरह के चॉकलेट हैं उनके नेम्स लिखे हुए हैं। जैसे 5 स्टार यहाँ पे मैंने 5 बार लिखा हुआ है, और उसके बाद डेरी मिल्क है वो भी 5 टाइम्स लिखा है, फिर जेम्स है वो भी 5 टाइम्स लिखा है, और उसके बाद सिल्क है, यानी 5 तरह के चॉकलेट्स लिखे हैं। और उसके बाद मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, ये हैं हमारे चॉकलेट के अल्फ़ाबेट्स, और एक और अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं वो हमारी पार्टी के अल्फ़ाबेट्स, यानी हमारे चॉकलेट पार्टी 2 अल्फ़ाबेट्स मैंने उनके लिखे हुए हैं अलग अलग बॉक्सेस में। और इस तरह से आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप चॉकलेट्स के नेम लिख लीजिए, और उसके बाद इस तरह से चॉकलेट और पार्टी लिख लीजिए, और फिर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उतनी आप फोटो स्टेट करवा लीजिए, यानी कॉपीज़ करवा लीजिए। और उसके बाद आपको फिल करने हैं नंबर्स, तो 1 to 90 जितने भी आप नंबर्स फिल करना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आप फिल कर दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको जितने भी आप चॉकलेट्स के नेम लिख रहे हो वो आपको ये चॉकलेट्स अरेंज करनी है, यानी यहाँ पे जैसे 5 चॉकलेट्स के मैंने नेम लिखे हैं, तो 5 चॉकलेट्स यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 5 ही स्लिप्स बनाई हुई हैं, जो कि मैं इन चॉकलेट्स की बैक साइड पर लगा दूँगी टेप के साथ। और उसके बाद आपको गेम खेलनी कैसे है उसको बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें रेड बटन क्लिक के, और उसके बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिले और उनसे आप क्लिक करके मेरे वीडियो को देख सको। तो चलिए आज की गेम आपको बताते हैं कि कैसे खेलनी है। जब आप सब मेंबर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उसके बाद आपने डिविडेंड्स बताने हैं, तो वो क्या होंगे, सबसे पहले आपका डिविडेंड होगा चॉकलेट। तो जो चॉकलेट के अल्फ़ाबेट्स होंगे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो वो होगा आपका एक डिविडेंड। और उसके बाद जैसे पार्टी के सारे नंबर्स कट जाएं, जैसे पी है उसका 13 कट जाए, उसके बाद ए है 67 वो कट जाए, तो आर कट जाए, टी वाई कट जाए, तो आपका एक डिविडेंड ये भी कंप्लीट हो जाता है। यानी चॉकलेट का अलग डिविडेंड होगा, पार्टी का अलग होगा, तो 2 आपके डिविडेंड्स ये कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमारे हैं 5 डिविडेंड्स और, कौन से, जैसे हमारा 5 स्टार के 5ों नंबर कट जाते हैं तो आपका एक डिविडेंड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सिल्क के नंबर कट जाते हैं तो आपका सेकेंड डिविडेंड हो जाता है चॉकलेट्स का सेकेंड, और उसके बाद डेरी मिल्क के हो जाते हैं तो आपका नेक्स्ट डिविडेंड हो जाता है, जेम्स के हो जाते हैं तो नेक्स्ट हो जाता है, और सिल्क चॉकलेट के हो जाते हैं तो आपका नेक्स्ट डिविडेंड हो जाता है। यानी इस तरह से आपके 7 डिविडेंड्स हैं, बाकी आप अगर फुल हाउस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो इस गेम में ट्विस्ट ये है कि 2 तो आपके जो अल्फ़ाबेट्स वाले होंगे वो आपके डिविडेंड्स होंगे, और उसके बाद जैसे सपोज मेरे जेम्स के सारे नंबर कट जाते हैं तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया कि मैंने यहाँ पे 5 स्लिप्स बनाई हुई हैं, और जैसे मेरा ये जेम्स का ये हो जाता है तो आपको 50 रुपीज़ मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी प्राइज़ मनी जो रखी हुई है होस्ट ने वो 50 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ मुझे मिल जाते हैं। उसके बाद जो होस्ट होगा वो मुझे पूछेगा कि आपको जेम्स लेनी है, यानी आपको ये चॉकलेट लेनी है, अगर आप बोलोगे कि यस तो इसके पीछे आपने जैसे सपोज़ ये स्लिप लगाई हुई है डबल, यानी प्राइज़ मनी जैसे आपको 50 मिली है तो उसके ऊपर आपको 50 रुपीज़ और मिल जाएंगे, साथ में चॉकलेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 50 रुपीज़ और मिल जाते हैं, यानी आपकी प्राइज़ मनी डबल हो जाती है। इसी तरह से सपोज़ बाय चांस डेरी मिल्क का हो जाता है, आपका हो जाता है, तो फिर आपको होस्ट पूछेगा, 50 रुपीज़ दे देंगे वो आपको, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको ये डेरी मिल्क लेनी है, तो इसमें अगर आप कहते हो कि यस मुझे लेनी है तो इसमें बाय चांस बैक साइड पे है 50-30, यानी आपको चॉकलेट तो मिल जाएगा लेकिन आपकी जो 50 रुपीज़ आपको प्राइज़ मनी मिली है उसमें से 30 रुपीज़ आपको वापस करने होंगे होस्ट को, यानी आपकी जो प्राइज़ मनी वो रह जाएगी 20 रुपीज़।
यानी आपके माइनस हो जाते हैं। तो इसी तरह से सभी चॉकलेट्स पे मैंने स्लिप्स बनाई हैं। इसमें आप चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी से बना सकते हो। जैसे किसी एक चॉकलेट पे आप 50+10 लगा दें, यानी 60 रुपीज़ प्राइस बनी मिल के चॉकलेट भी मिल जाता है उनको। और उसके बाद जैसे बाई चांस एक पे आप लिख दीजिए 0 मनी, चॉकलेट आपको मिल जाती है, लेकिन जो आपके प्राइज़ मनी आपको 50 रुपीज़ मिले हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे, यानी आपके 50 हैं वो माइनस होके 0 रह जाते हैं। तो इस तरह से ये एक स्लिप बना ली अपनी। उसके बाद जो फिफ्थ स्लिप है आप इस तरह से बना सकते हो, जैसे आपको 50 रुपीज़ प्राइज़ मनी मिल गई एक चॉकलेट पे, तो आपके वहाँ पे जैसे बैक साइड पे लिखा है +20, तो आपको होस्ट 70 रुपीज़ देगा, यानी 50 के साथ 20 रुपीज़ प्लस हो गए और साथ में आपको एक चॉकलेट भी मिल गया। तो इस तरह से ये गेम खेलनी है। और अगर बाई चांस जैसे आप बोलते हो कि मुझे नहीं चाहिए, तो आप 50 रुपीज़ ले लीजिए, तो चॉकलेट जो है वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो हमारा जो डिविडेंट होगा वो ऐसे ही रहेगा। जैसे बाई चांस जेम्स पे मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, तो क्या होगा कि जेम्स 50 रुपीज़ मैं रख लूँगी और जेम्स होस्ट अपने पास रख लेंगे। उसके बाद जो आपका जेम्स का डिविडेंट है वो सबके लिए ओपन हो जाएगा, यानी दोबारा से हम जेम्स के लिए खेल सकेंगे। एक बार आ गया, उसके बाद फिर दोबारा से जेम्स के लिए खेलेंगे, उस बार जो हम स्लिप है वो निकाल देंगे, यानी उनको जेम्स चॉकलेट के लिए खेलना है। तो इस तरह से आपको गेम को खेलनी है। अगर वो चॉकलेट लेते हैं तो उनके डबल भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, इस तरह से गेम खेलनी है। अगर वो चॉकलेट नहीं लेते तो नेक्स्ट डिविडेंड दोबारा हो जाएगा, यानी आपको दोबारा से ये गेम को खेलना है उस डिविडेंड के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, खेल कर डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा, आप खेलिएगा ज़रूर। और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी गेम को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, बाय, हैव फन।